अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे गीज़र ऑन करने का तरीका। इतहाई आसान तरीका है। जैसा कि सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी देख लें ताकि आपको गीज़र ऑन करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। गीज़र पर ये हिदायत भी लिखी हुई हैं, आप इससे भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और ये गीज़र का थर्मोस्टेट है, इसे भी हम एक बार घुमा कर एडजस्ट कर लेंगे और आप नोट करेंगे कि टक की आवाज़ जब आएगी तो इसका मतलब है कि ये गीज़र ऑफ हो चुका है। इसी तरह ऑन करने पर भी टक की आवाज़ आएगी। अब चलते हैं हम मेन बटन्स की तरफ। ये सबसे पहले ऑफ पर है और इसके साथ ही पायलट का प्रेस बटन लगा हुआ है। देखिए वो प्रेस नहीं हो रहा, ऑफ़ पर नीचे जाते हुए वो टकरा रहा है। सबसे पहले हम इसे पायलट पर करेंगे। पायलट को बिल्कुल सामने ले आएंगे और कट वाली साइड से अब देखिए गैप बन चुका है और बहुत इजीली प्रेस बटन प्रेस हो रहा है। इसे आपने ऑन करने से पहले 15 से 20 दफ़ा प्रेस करना है। इसे मुसलसल प्रेस करते रहना है। ये पोजीशन ऑन की है, कट बिल्कुल सामने आ जाएगा और गीज़र ऑन इस पोजीशन पर होगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसे ऑन नहीं करेंगे, पहले पायलट पर रखेंगे। और नीचे से आपको मैं बर्नर और मेन प्लेट दिखा देता हूँ। ये हमारी मेन प्लेट है और वो पायलट का बर्नर है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहले हम पायलट के बर्नर को ऑन करेंगे और मेन प्लेट फिर उसके बाद ऑन की जाएगी। इसको गौर से देख लें, ये मेन पायलट का बर्नर है, ये पायलट का बर्नर है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले इसे ऑन करेंगे। ये गैस की लाइंस हैं जहाँ से गैस आ रही है। पहले पायलट के बर्नर तक ये दो वायर्स आ रही हैं। पहले ये पायलट का बर्नर ऑन होगा, इसके बाद मेन प्लेट और हम पायलट को ऑन करेंगे। ऊपर से पायलट बटन को हम प्रेस करके रखेंगे और बटन पायलट मोड पर होगा। और साथ वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे और लाइटर करीब लेकर जाएंगे पायलट बर्नर के पास। ये देखें, पायलट बर्नर हमारा ऑन हो चुका है। बटन को भी आपने नहीं छोड़ना, मज़ीद 30 सेकंड तक दबा कर रखना है। बटन को फ़िलहाल दबा के रखें ताकि ये पायलट बर्नर अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, अब हम इसको ऊपर से बटन को पायलट से हटा कर ऑन पर ले जाएंगे। ये बटन को हम ऑन पर लेके गए। अब नीचे देखें, बर्नर प्लेट को भी इसने रोशन कर दिया है। अब पूरी बर्नर प्लेट तक आग जल रही है और हमारा गीज़र मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। बर्नर प्लेट और पायलट हमारे दोनों ऑन हो चुके हैं। बर्नर प्लेट बिल्कुल गर्म होना शुरू हो गई है, हमारे गीज़र ने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। इस तरह गीज़र को चलने दें और थर्मोस्टेट से हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं कि हमें कितना पानी गर्म चाहिए। ये इसका थर्मोस्टेट है, यहाँ से आप वार्म, हॉट, वेरी हॉट जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं।